कक्षा 12वीं का कहानी पृष्ठभूमि से ध्रुव यात्रा जनेंद्र कुमार द्वारा लिखित एक कहानी है। इसके मुख्य पात्र हैं राजा रिपुदमन, बहादुर, उर्मिला, आचार, मारुति। राजा रिपुदमन जो उर्मिला के प्रेमी हैं, उर्मिला आचार मारुति के पुत्री तथा राजा रिपुदमन की प्रेमिका हैं। आचार मारुति जो मनसोपचार से संबंधित व्याख्यात्मक आचार्य। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मानवीय संवेदनाओं को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से सम्मानित करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया है। इस कहानी में एक सुसंस्कृत युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा का चित्रण किया गया है तथा प्रेम को नारी से भिन्न एवं उच्च स्थान दिया गया है। इस कहानी का प्रत्येक पात्र कर्मनिष्ठता एवं नैतिकता के प्रति सचेत दिखाई देता है। अतः कहने चाहिए कि जनेंद्र द्वारा रचित यह कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से भी ओतप्रोत है। हेडिंग फर्स्ट। उत्तरी ध्रुव पर विजय के पश्चात राजा रिपुदमन का भारत का आगमन। आज के समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर राजा रिपुदमन बहादुर की उत्तरी ध्रुव की विजय की खबर छपी थी। वे यूरोपवासियों की बधाइयां लेते हुए भारत लौट रहे थे। भारत लौटने से पूर्व ये यूरोपवासियों को अद्भुत की पूजा की आदत छोड़ने का संदेश देते हैं। अर्थात उत्तरी ध्रुव पर विजय पाना कोई असंभव या अद्भुत कार्य नहीं है। वे यूरोपवासियों को प्रेरित करने का संदेश देते हैं। मुंबई आगमन के पश्चात उनके स्वागत की तैयारियां चरम पर थीं। चारों ओर खुशहाली का माहौल था, परंतु रिपुदमन ना जाने क्यों अपनी सफलता से खुश नहीं थे। वे अत्यंत व्याकुल थे तथा शीघ्रता से दिल्ली आना चाहते थे। इसी प्रकार भारत आगमन के पश्चात भी रिपुदमन का मन स्थिर नहीं था। रिपुदमन के भारत आगमन पर उर्मिला की मनोस्थिति। रिपुदमन उत्तरी ध्रुव के विजय के पश्चात अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए थे। उर्मिला रिपुदमन की प्यासी थी। उर्मिला रिपुदमन से संबंधित प्रतिदिन अखबार में छपी हुई खबरें पढ़ती थी। जब उर्मिला ने रिपुदमन की जीत की खबर पढ़ी तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर अपने और रिपुदमन के सोते हुए पुत्र रिपुदमन की प्रतिछाया को चूमने लगी। परंतु अगले दिन ही की खबर पढ़ते हुए उर्मिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि राजा आज समाचार पत्र में छपा हुआ था कि रिपुदमन अपनी उत्तरी ध्रुव की विजय से प्रसन्न नहीं है। रिपुदमन जब दिल्ली छोड़ने हुआ दिल्ली से बहुत दूर जाने की खबर उर्मिला पढ़ती है तो वह रिपुदमन के वियोग में से व्याकुल व बेचैन हो उठती है। इसी बेचैनी के कारण जहां पहले सोते हुए बच्चे को उर्मिला ने छुपाया था, अब उसे बलपूर्वक उठा लेती हैं और उसे कंधे से लगाकर कमरे में घूमने लगती हैं। यहां भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने पुत्र में रिपुदमन की प्रतिछाया देखती हैं और वह उसे कंधे से इसलिए लगाई हुई है ताकि वह उससे कहीं दूर न। विजय के पश्चात राजा रिपुदमन की मनोस्थिति। राजा रिपुदमन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। इन्हें नींद कम आने लगी थी। उनका मन पर काबू नहीं था तथा एकाग्रता की कमी की समस्या उत्पन्न होने लगी। जिस बात की वह भूलना चाहते थे वह उन्हें और अधिक समर्पण होती है। वह अपनी ही कल्पनाओं से भयभीत हो उठते थे। उनके मन में इस तरह की अस्त व्यस्त बातें घर भर चुकी थी कि उनका मन अब स्वयं से ही असंतुष्ट था। यही कारण था कि राजा रिपुदमन व्याकुल व बेचैन से रहने लगे थे। मानसिक उपचार हेतु राजा रिपुदमन की आचार मारुति से प्रथम भेंट। आचार मारुति विश्व प्रसिद्ध मानसिक उपचारक वेद थे। राजा रिपुदमन स्वयं के मानसिक उपचार के लिए बड़ी श्रद्धा व उम्मीद लेकर भारत लौटे थे। राजा रिपुदमन की विजय प्रसिद्धि इतनी व्यापक हो गई थी कि उन्हें अन्य कार्यों के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था। एक दिन अवकाश पाते ही वह आचार्य मारुति से भेंट करने पहुंचे। आचार्य ने रिपुदमन को देखते ही कहा, वेद के पास तो रोगी आते हैं, विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए हैं। रिपुदमन ने विजय को छल बताते हुए कहा कि आपसे मिलने रोगी ही आया है। आचार्य ने राजा रिपुदमन के चेहरे पर विजय के पीछे छुपी पराजय को देख लिया था। रिपुदमन ने आचार को अपनी सारी समस्याएं बताई। उनकी समस्याएं सुनने के पश्चात आचार ने रिपुदमन को स्वस्थ घोषित करते हुए अगली भेंट के लिए आमंत्रित की।
राजा रिपुदमन की मारुति से दूसरी भेंट। रिपुदमन भले ही उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर चुके थे, परंतु प्रसन्नता के स्थान पर वे व्याकुलता की ही अस्थाई बन चुके थे। इसी कारण वे आचार्य मारुति से दूसरी बार भेंट करने पहुंचे। आचार्य ने दूसरी भेंट में रिपुदमन को अपनी से विमुख न होने की सलाह दी। रिपुदमन के जीवन में अपनों के स्नेह व प्रेम का अभाव था, इसी कारण आचार्य ने रिपुदमन को अपनों का मन जीतने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि विजेता को जीतने के लिए उपाय बहुत हैं, पर अपनों का मन जीतने की भी छोटी बात रही है। अब रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं। तब आचार्य उनसे प्रेम के संबंध में पूछते हैं। प्रेम के संबंध में रिपुदमन कुछ जवाब नहीं देते हैं। इस बात पर आचार्य प्रेम और विवाह का सहसंबंध स्थापित कर देते हुए बताते हैं कि विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, प्रेम के नियमित से उसकी दृष्टि है। इसी प्रकार आचार्य रिपुदमन को प्रेम भावना के प्रति जागरूकता करते हैं, इसी कारण से वह अपनी प्रेयसी से भेंट करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। राजा रिपुदमन की उर्मिला से भेंट। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया था, किंतु दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। उर्मिला राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चों को भी ले आए, जिसके नाम को लेकर दोनों में चर्चा होती ही। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच चुके थे। वहाँ उर्मिला राजा से कहती हैं कि तुम अब मेरी एवं मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो, तुम अपने स्वप्न व कार्यों को अधूरा छोड़ वापस क्यों आए हो। इसका जवाब देते हुए रिपुदमन पूछता है कि मेरा काम क्या है। इस पर उर्मिला कहती हैं कि तुम्हारा कार्य या मेरे बच्चे की चिंता करना नहीं है, तुम्हारा काम अपार है, उसे पूर्ण करो और इस बात के लिए मैं तुम्हें पर गर्वित हूँ। अब निश्चित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। उर्मिला सिद्धि की प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती हैं। रिपुदमन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करना। जब रिपुदमन की उर्मिला से भेंट हुई तो वह कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भ्रमित होते हुए नजर आए। उर्मिला ने अपने प्रेम का बलिदान देते हुए रिपुदमन को उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। उर्मिला ने रिपुदमन को हतोत्साहित न होने की प्रेरणा देते हुए तीर के समान लक्ष्य प्राप्ति तक बढ़ते हुए चलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त रिपुदमन को यही समझने का प्रयास भी किया कि तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति व सिद्धि के लिए कहीं भी जीवित हूँ, इसीलिए तुम अपनी गतिशीलता को कायम रखो, तुम्हें कहीं रुकने के लिए बाध नहीं होना चाहिए। तुरंत तुम्हारे अंदर अतुलनीय वेग है, तुम इन सबको यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दो, तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह पुत्र तुम्हारी निशानी है और तुम मुझमें से ऋण मुक्त हो चुके हो, तुम्हें अनंत पथ की ओर जाना चाहिए और यही गति का आनंद है, इसी में हम दोनों का सुख छिपा हो। प्रेम के सच्चे स्वरूप को दर्शाना। उर्मिला ने स्त्री तथा प्रेमिका के सच्चे स्वरूप को दर्शाते हुए रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के लिए प्रेरित किया। उर्मिला स्वयं को रिपुदमन की प्यासी स्वीकार करते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए मात्र एक स्त्री भर नहीं हूँ जो तुम्हारे मार्ग व लक्ष्य में बाधा बनूं, और मैं तुम्हारी प्यासी हूँ। जब तक तुम सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं समझ सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर उस उन्मुख होना चाहिए। इस तरह तुम्हें मुझे परिपूर्ण और स्वयं को संपूर्ण बनाने में सफल हो जाओगे। इतना कहते ही राजा रिपुदमन उर्मिला को रोते हुए पाते हैं, जिस पर उर्मिला कहती है कि तुम चिंतित ना हो, यह एक स्त्री रो रही है परंतु प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री की मत है सुनना, मैं भी पुरुष ही नहीं सुनूंगी, अब दोनों प्रेम सुनेंगे, अतः तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। स्त्री का रहस्य उजागर होना। राजा रिपुदमन अपनी अगली भेंट के लिए आचार्य के पास जाते हैं तथा वहां आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए उदित थी, जब वे तैयार नहीं थे, गर्भ धारण करने के बाद विवाह के लिए तैयार थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया, अब लौट आने पर प्रसन्न नहीं है। वह कहते हैं कि यात्रा कहीं समाप्त नहीं होती है, सिद्धि तक जाओ तो मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है, यह जानकर रिपुदमन आश्चर्यचकित हो उठे। इसके पश्चात राजा आचार्य ने रिपुदमन और अपनी पुत्री उर्मिला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उर्मिला को अब यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है था।
वह नहीं चाहती थी कि रिपुदमन विवाह के बंधन में बंधकर अपने लक्ष्य से विमुख हो जाए। आचार्य जी के बार बार अनुरोध करने के पश्चात भी उर्मिला अपने हठी स्वभाव को उजागर करती रही और आचार्य के अंत समय आने पर भी उर्मिला ने प्रेम के सच्चे अर्थ को उजागर करते हुए उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आचार्य की दयनीय दशा देखकर उर्मिला ने कहा, मुझे अभागन के भाग्य में आज्ञा पालन तक का सुख है। हाय विधाता, क्यों नहीं लिख सका अंत। अंत में उर्मिला ने अपने पिता से स्वयं को भूल जाने का आग्रह किया। रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी। जब राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने निश्चय से हटने वाली नहीं है, तो वे पूछते हैं कि उन्हें अब कब आना चाहिए। तब उर्मिला कहती है कि जब हवाई जहाज मिल जाए। राजा भी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत शटलैंड द्वीप के लिए जहाज बुक कर देते हैं, जो तीसरे दिन की उड़ान भरने वाला था। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला थोड़े भावुक हो उठती हैं, लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका यही इच्छा है कि जिसका पालन करना एक प्रेमिक कर्तव्य है। इसके पश्चात रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। इस खबर को से दुनिया के अखबारों में धूम मच जाती है। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना ना था। उर्मिला सोच रही थी कि आज उनके जाने की अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया है। एक से बढ़कर एक बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। अभी वह अनंत शून्य की में देखती हुई अब कभी अपने बच्चों में डूबी जाती है। उर्मिला एक बार फिर अपने अंदर की स्त्री के स्थान पर प्रेमिका के रूप में सोचती है और रिपुदमन को रोकने के लिए बाध नहीं करती है। रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना तथा उनका पत्र मिलना। जिस दिन दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रस्थान करना था, उस दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे हुए पाए, गोली का कनपटी के आर पार निशाना है। अखबार में विवरण एवं विस्तार के साथ उनसे संबंधित उनकी सूचनाएं थी, जिन्हें उर्मिला ने अक्षर अक्षर सब पढ़ा। आत्महत्या से पूर्व उन्होंने एक पत्र लिखा, जो मृत व्यक्ति रिपुदमन के ताकिए के नीचे से मिला था। राजा ने अपने पत्र में लिखा था कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं था, फिर भी वे जाना चाहते थे क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है क्योंकि इस श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव पर जाने पर भी मैं नहीं बचता था, फिर भी नहीं लौटता और आत्मा हत्या करके भी नहीं लौटूंगा। मैं अपने हतोहवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। चैप्टर खत्म, द एंड। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।